हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरबीएनएल और एसएससी जेई बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस का सेकंड क्लास है, जिसमें हम थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं। उस पे थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग उस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि थ्योरी या मशीन का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखे और क्लासिफिकेशन देखे और साथ में यूपीआरबीएनएल विषय में कुछ गाइडलाइन देखा गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और थ्योरी या मशीन का सेकंड लेक्चर, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा जाएगा। टर्मिनोलॉजी मींस पढ़ने का मेन मोटो क्या है, उसी से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टर्म्स में, सपोज कि एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग बोले होंगे डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम दो बॉडी पढ़ेंगे थ्योरी या मशीन में। पहला जो बॉडी है वो आपका रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, और सेकंड जो बॉडी है वो आप रेजिस्टेंस बॉडी। तो रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंस बॉडी क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी व्हिच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। जब हम किसी भी बॉडी पर वायु बल लगाते हैं तो उनमें किसी प्रकार का कोई फिजिकल डिफॉर्मेशन ना हो, तो ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन साथ में बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे कि द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ऐसे बोल सकते हैं द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। The relative position of particle does not change when the external load is applied. जब वायु बल को हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल के सापेक्ष गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे बॉडी को, ऐसे पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। लेकिन दुनिया में यानी हम ऐसा कोई भी आइडियल रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन सामान्यतः जनरली हम सॉलिड को रिजिड बॉडी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, कहेंगे द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाई। जब वायु बल लगाते हैं और कणों के बीच किसी प्रकार का कोई सापेक्ष गति न हो, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। अथवा एक और डेफिनेशन हमने बताया कि यदि किसी बॉडी पर वायु बल लगाए और बॉडी के फिजिकल फॉर्म में कोई परिवर्तन न हो, मतलब किसी प्रकार का कोई शेप साइज परिवर्तन न हो, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। रेजिस्टेंस बॉडी, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन थ्योरी ऑफ मशीन। रेजिस्टेंस बॉडी क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस बॉडी क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस बॉडी इफ इट इज कैपेबल टू ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड फोर्स एंड मोशन विथ नेगलिजिबल डिफॉर्मेशन। विथ नेगलिजिबल डिफॉर्मेशन का मतलब होता है नगण्य डिफॉर्मेशन के साथ, यदि फोर्स और मोशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूर्ण रूप से ट्रांसमिशन करता है, तो ऐसे बॉडी को रेजिस्टेंस बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंस बॉडी इफ इट इज कैपेबल टू ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड फोर्स एंड मोशन विथ नेगलिजिबल डिफॉर्मेशन। मतलब यह डिफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे आप चैन देखे होंगे, चैन देखे होंगे, रूप देखे होंगे, रस्सा देखे होंगे, वायर देखे होंगे आदि आदि, के द्वारा हम मोशन या फोर्स का ट्रांसमिशन किया जाता है। लेकिन क्या वो फ्लेक्सिबल नहीं है? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये पार्टिकुलर केस में वो रिजिड हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो ऐसे कौन सा केस होता है जो चैन रिजिड हो जाता है? तो जब चैन पर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वह रिजिड के तौर पर, रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। जब बेल्ट पर हम टेंशन लगाते हैं तो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। जब हम वायर पर टेंशन लगाते हैं तो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव। सिमिलरली उसी प्रकार से फ्लूड, आपका द्रव जो फ्लूड है, गैसियस फ्लूड अथवा लिक्विड फ्लूड कुछ भी रहेगा, यदि हम उस पे कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं तो वह एक दृढ़ पिंड की भांति व्यवहार करने लगता है। जैसे बेल्ट वर्क एज ए रिजिड व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, दैट मींस मैकेनिकल बेल्ट ड्राइव हैव टू कंसीडर द रेजिस्टेंस बॉडी। मतलब मैकेनिकल बेल्ट ड्राइव हैव कंसीडर टू रेजिस्टेंस बॉडी, मतलब बेल्ट वर्क एज ए रिजिड व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, मैकेनिकल बेल्ट ड्राइव
वर्क एज ए रेजिस्टेंस बॉडी। सिमिलरली यदि हम बोल सकते हैं कि फ्लूड मतलब फ्लूड वर्क ए रिजिड व्हेन सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, दैट मींस हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क एज ए रेजिस्टेंस बॉडी। ए स्प्रिंग इज आल्सो ए रिजिड बॉडी और फॉर डिफरेंट कंडीशन, कुछ कंडीशन में हमारा स्प्रिंग भी एक प्रकार का रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। ऑल ऑफ द रिजिड बॉडी रेजिस्टेंस बॉडी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉडी नीड नॉट मस्ट बी रिजिड बॉडी, सुनेंगे रेजिस्टेंस बॉडी नीड नॉट मस्ट बी रिजिड बॉडी, बट ऑल ऑफ द रिजिड बॉडी इज मस्ट बी रेजिस्टेंस बॉडी। तो कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी है तो रेजिस्टेंस बॉडी बिल्कुल है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉडी का रिजिड बॉडी होना आवश्यक नहीं है। तो रेजिस्टेंस बॉडी बेल्ट हुआ, वायर हुआ, रूफ हुआ, फ्लूड हुआ, ये सब रिजिड तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस बॉडी है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यह किसी पार्टिकुलर केस में यह दृढ़ हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो पार्टिकुलर केस कौन सा है कि जब बेल्ट पर हम टेंशन लगाते हैं, पार्टिकुलर केस कौन सा है जब चैन पर हम टेंसाइल लगाते हैं, पार्टिकुलर फ्लूड के लिए कौन सा है जब फ्लूड पर हम कंप्रेसिव लगाते हैं। तो यह केस जो उसको रिजिड बना देता है दैट मीन्स यही हमारा रेजिस्टेंस बॉडी है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजिड और रेजिस्टेंस बॉडी। तो रिजिड बॉडी में फोर्स लगाएं और किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन ना हो, किसी प्रकार का कोई फिजिकल चेंजेज ना हो, तो बोल सकते हैं वह रिजिड है। रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, वह डिफॉर्म करता है लेकिन किसी पार्टिकुलर केस में वो रिजिड हो जाता है। पार्टिकुलर केस का मतलब यदि टेंशन में लगाते हैं रिजिड होता है तो बोल सकते हैं कि वह रेजिस्टेंस बॉडी है। सिमिलरली फ्लूड के केस में, कंप्रेशन के केस में यदि हम लोग फ्लूड को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वह एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स हाइड्रोलिक सिस्टम में लगाया गया, हाइड्रोलिक सिस्टम में लिया गया फ्लूड जो होता है वो रेजिस्टेंस बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। तो हम लोग दो चीज देख लिए, क्या देखिए, रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंस बॉडी। समझ गए होंगे रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंस बॉडी में क्या अंतर होता है कि रिजिड बॉडी तो जाहिर सी बात है फोर्स लगाए और किसी प्रकार का कोई फिजिकल फॉर्मेशन ना हो, फिजिकल डिफॉर्मेशन ना हो, फिजिकल चेंजिंग ना हो। सिमिलरली रेजिस्टेंस बॉडी मतलब क्या है, चेंजिंग तो होता है लेकिन किसी पार्टिकुलर केस में वह एक दृढ़ हो जाता है और वह फोर्स और मोशन को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देता है, इस प्रकार उसे हम रेजिस्टेंस बॉडी कहते हैं। तो इस प्रकार बेल्ट, चैन, वायर, रोप आदि आदि सभी आपका रेजिस्टेंस बॉडी। हमने एक चीज और बोला कि ऑल ऑफ द रिजिड बॉडी विल बी रेजिस्टेंस बॉडी, लेकिन सभी रेजिस्टेंस बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो सकता है। रेजिस्टेंस बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो सकता है, रेजिस्टेंस बॉडी किसी पार्टिकुलर केस में ही रिजिड बॉडी हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया चैन का, रोप का आदि आदि। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक लाइन डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारे मशीन का एलिमेंट समझने के लिए, जनरली सभी लोग यही फिगर बनाते हैं। एक लाइन डायग्राम स्टीम इंजन का, सपोज कि हमारे पास एक सिलेंडर है, चलिए एक सिलेंडर है, इसका नाम क्या बोलेंगे, सिलेंडर, इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टन। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन से जो ऐड होता है वो पिस्टन रॉड, और यहाँ पिस्टन रॉड से एक हम क्रॉस हेड ऐड करते हैं, इसका मेन मोटर ये है, कि यह एक्सटर्नल इंजन होता है, एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन है, और इस प्रकार से स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन का लाइन डायग्राम है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, इसको हम स्लाइडर बोलते हैं, स्लाइडर, और इसको बोलते हैं कनेक्टिंग कनेक्टिंग रॉड, और इसको बोलते हैं क्रैंक, और यहां से ये आपका क्रैंक शाफ्ट, जनरली ये आपका फ्रेम बोलते हैं, या ये पूरे फ्रेम को फ्रेम, या इसी को हम बोल सकते हैं क्रॉस हेड, क्या बोलते हैं, क्रॉस हेड। तो देखिए इसमें कितने नाम है, बहुत सारे नाम है, पहला सिलेंडर, पिस्टन, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंकशाफ्ट आदि आदि। तो इसमें कई पार्ट होंगे और कई पार्ट से मिलकर के यह रिसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन बना होगा, रिसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में देखेंगे बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होगा, एक दो पार्ट आदि 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 आदि। ये लिंक एक
अदर टर्मिनोलॉजी है। लिंक एक अलग टर्म से, जैसे नेक्स्ट टर्म क्या होता है, लिंक, लिंक जिसको हिंदी में बोलते हैं कड़ी। लिंक क्या है, यह मशीन का एक पार्ट है। लिंक क्या कहते हैं, लिंक मे बी डिफाइंड एज ए मशीन एलिमेंट अथवा पार्ट विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट। मतलब यह एक मशीन का पार्ट है जो दूसरे पार्ट के साथ सापेक्ष गति करता हो, रिलेटिव मोशन करता हो। सिंपल से समझेंगे, यह मशीन का एक क्या है, पार्ट है जो दूसरे पार्ट के सापेक्ष वो दूसरे पार्ट के साथ वो रिलेटिव मोशन करता हो। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है सापेक्ष गति कर सकता हो। सपोज कि यह एक मशीन का पार्ट है, ये दूसरा मशीन का पार्ट है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और ये आपस में मूव करते होंगे, तो ए और ये आपस में एक लिंक और एक दो लिंक। लेकिन सब कुछ ये दोनों ही पार्ट आपस में वेल्ड किया गया है, किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये पूरा दोनों ही मिला करके सिर्फ एक लिंक होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग देखते हैं, तो कभी कभी आप देखे होंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फेसबुक का भी, तो आप देखेंगे तो पूछेगा इन रिसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में, नॉट आईसी इंजन में, ये आईसी इंजन में नहीं है, रिसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में पिस्टन और पिस्टन रॉड एक लिंक होते हैं या दो लिंक होते हैं। तो सिंपल सा कहेंगे एक लिंक होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोमेंट, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोमेंट नहीं होता, मतलब ये आपस में फिक्स रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट, ये आपस में नो रिलेटिव मूवमेंट, नो रिलेटिव मूवमेंट, आपस में रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता है। क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट जो होता है वही क्रैंक को बाधा रहता है। आपस में रिलेटिव मोशन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। ये जो क्रैंक या क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं, ये किसी फ्रेम के थ्रू या बेयरिंग के थ्रू या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक, मतलब ये दोनों मिलाकर के ही सिंपल सा एक लिंक है। आप इसको दो लिंक नहीं पढ़ेंगे, वो तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कि दोनों आपस में रिलेटिव मोशन नहीं, जैसे सपोज कि यह क्रैंक है और कनेक्टिंग रॉड, दोनों आपस में रिलेटिव मोशन कर सकते होंगे, तो जाहिर सी बात है यह एक लिंक और एक दो लिंक। हालांकि नंबरिंग हम बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाने से पहले ही, बस इतना आप समझेंगे कि लिंक का डेफिनेशन हम समझाने के लिए एक फिगर बनाए कि लिंक क्या है, मशीन का एक पार्ट है जो दूसरे पार्ट के साथ सापेक्ष गति कर सकता हो। चलिए लिंक की क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला, यह रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉडी, यह दृढ़ पिंड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन पॉसिबल होना चाहिए, रिलेटिव मोशन मस्ट बी पॉसिबल। दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, पहला रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉडी का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि दृढ़ पिंड होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए। दूसरा है उनमें सापेक्ष गति होना चाहिए। तो यह एक लिंक है, लिंक की मेन दो क्राइटेरिया है जिसको द्वारा हम उसको पहचानते हैं कि यह लिंक है कि नहीं है। पहला ये क्या, यह रेजिस्टेंस बॉडी हो। दूसरा यह क्या कि यह एक प्रकार का रिलेटिव मोशन कर सकता हो किसी दूसरे लिंक के सापेक्ष, किसी दूसरे मशीन पार्ट के सापेक्ष। तो पहला लिंक समझ गए, लिंक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो समझ गए। उसके बाद लिंक का क्या एप्लीकेशन है, यूज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यूज। पहला गाइड और सपोर्ट, गाइड, गाइड एंड सपोर्ट, फोर्स मोशन ट्रांसमिशन, गति और बल को पारेषित करने के लिए गाइड तथा सपोर्ट करने के लिए। जैसे सपोज किसी हम मशीन को हम फ्रेम के द्वारा सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक लिंक है जिसके थ्रू हम सपोर्ट करते हैं। पंखे हैं, फैन जो चल रहे हैं उस लिंक से किसी हैंडल के थ्रू हम उसको हैंगिंग किए हैं, लटकाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह एक प्रकार का लिंक है जिसके थ्रू हम उसको सपोर्ट किए हैं। फोर्स और मूवमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, जाहिर सी बात है फोर्स भी, जैसे पिस्टन हमारा कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन से थ्रस्ट लेता है फिर क्रैंक को देता है, तो जाहिर सी बात है एक लिंक है जिसके थ्रू हम फोर्स को ट्रांसफर करते हैं या पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम वहां का मोशन क्रैंक में पारेषित किया जाता है। मतलब लिंक का उपयोग गाइड और सपोर्ट के लिए, फोर्स और मोशन को ट्रांसमिशन करने के लिए यह एप्लीकेशन है।
नेक्स्ट जो आता है वो फॉर्म ऑफ लिंक। लिंक कितने फॉर्म में अवेलेबल है, फॉर्म ऑफ लिंक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ लिंक। तो लिंक की तीन फॉर्म है। पहला जो होता है फॉर्म ऑफ लिंक, फॉर्म ऑफ लिंक, लिंक का तीन फॉर्मेट है। पहला जो होता है, पहला जो होता है बाइनरी लिंक, बाइनरी लिंक, और दूसरा होता है टर्नरी लिंक, और तीसरा होता है क्वार्टनरी लिंक। बाइनरी लिंक का मतलब होता है ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक, ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, दो पॉइंट यहाँ है, मतलब ए लिंक दो जगह पर किसी दूसरे लिंक के साथ यदि जोड़ते हैं तो इस लिंक को बाइनरी लिंक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अनदर लिंक एट द टू पॉइंट, ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट टू पॉइंट, इसको हम बोलेंगे बाइनरी लिंक। क्या बोलेंगे इसको, बाइनरी। फिर बोलेंगे नेक्स्ट ए लिंक, ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द थ्री पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी लिंक। टर्नरी लिंक का फिगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा ऐसे हो जाएगा, ये आपका तीन स्थान पर ऐड होता है। सपोज कि हम ऐसे बता दें, इसको हम सेट कर देते हैं, मतलब एक प्रकार का हमारा प्लेट है, तीन तीन भुजा का जो तीन कोने पर किसी दूसरे लिंक के साथ ऐड होते हैं। ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द थ्री पॉइंट, दैट इज द टर्नरी लिंक। ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द टू पॉइंट, इसको हम बाइनरी लिंक। क्वार्टरनरी लिंक देखेंगे, ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द फोर पॉइंट, मतलब चार स्थान पर हमारा लिंक कोई ऐड है, एक स्थान पर, दो स्थान पर, तीन और ये चार, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी लिंक। तो इसको बोल सकते हैं ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द फोर पॉइंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी लिंक। तो बाइनरी लिंक मींस ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द टू पॉइंट, टर्नरी लिंक ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द थ्री पॉइंट, ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द फोर पॉइंट, दैट इज द बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी। यह एक प्रकार का सेडेड हो जाएगा, मतलब एक प्रकार का हम लोग प्लेट है और प्लेट चार स्थानों पर किसी दूसरे के साथ यदि ऐड होता है तो इसको हम क्वार्टरनरी लिंक बोलेंगे। तो यह लिंक का टाइप नहीं है, लिंक का फॉर्म है बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लिंक, लिंक का टाइप्स। लिंक कितने प्रकार का होता है, क्योंकि क्वेश्चन पुट अप होता है, कहेगा ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द थ्री पॉइंट, ऑप्शन ए बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वार्टरनरी लिंक एंड नेक्स्ट नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए लिंक विच इज कनेक्टेड टू अदर लिंक एट द थ्री पॉइंट वाले पर एक्शन करेंगे टर्नरी लिंक। क्वेश्चन एसएससी जेई या एग्जाम में पूछा गया है, कहता क्या है कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्लूड भरा रहता है वह कौन सा लिंक होता है। कंस्टिट्यूट कहेगा ए, ए फ्लूड आयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम कंस्टिट्यूट ए रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूड लिंक एंड नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन में क्या होगा वही हम लोग इसका आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिंक।
लिंक के कितने प्रकार हैं। चलिए तो लिंक का जो मेन टाइप्स हैं वो मेन थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। हम लोग इसी प्रकार से फ्लो डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। तो पहला जो लिंक होता है वो रिजिड लिंक होता है और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल लिंक और थर्ड और नेक्स्ट होता है फ्लूइड लिंक। क्या होता है? रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक कितना होता है? देखिए रिजिड लिंक कहेंगे यदि बिना किसी डिफॉर्मेशन के, बिना किसी फिजिकल चेंजेस के, यदि फोर्स और मोशन का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो ऐसे लिंक को हम बोलते हैं रिजिड लिंक। मींस फोर्स मोशन ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। फिर इसमें क्या बोलेंगे? फोर्स मोशन ट्रांसमिशन, फोर्स मोशन ट्रांसमिशन विथ पार्शियली डिफॉर्मेशन, बट डिफॉर्मेशन नॉट affected या affected effect to transmission system। force motion transmission, force अथवा motion transmission with partially deformation, but deformation not effect to transmission system। मतलब इसमें partially deform होने के बाद भी हमारे पावर या मोशन का ट्रांसमिशन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चेन रोप हुआ, बेल्ट हुआ, चेन हुआ, ये कुछ डिफॉर्म हल्का करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मोशन या फोर्स का ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्स मोशन इज ट्रांसमिटेड विद कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड। Force motion transmitted with compression of fluid। यदि हम fluid को compress करके force या motion को transmit करते हैं तो ऐसे link को हम fluid link कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारा कोई भी rigid link है, rigid link मतलब कोई भी solid link है, जाहिर सी बात है उसको हम खींचेंगे, extend करेंगे, खींचेंगे, मतलब इस ये solid है एक प्रकार का। यदि हम लोग tensile load इस पे देते हैं तो टेंसाइल लोड भी ट्रांसफर करेगा, यदि इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसिव लोड भी ट्रांसफर करेगा। मतलब इट कैन ट्रांसमिट द फोर्स इन बोथ डायरेक्शन, इट कैन बी ट्रांसमिट फोर्स मोशन इन बोथ डायरेक्शन tensile and compressive। And next इसमें क्या बोलेंगे? It can transmit force motion only tensile direction, only tensile direction। And similarly इसमें क्या बोलेंगे? It can be transmit force and motion only compressive direction। फिर से सुनेंगे लैंग्वेज में, force motion transmitted without any direction, deformation, force motion transmission with partially deformation but deformation not effect to transmission system, and force motion is transmitted with compression of fluid, and next आपका it can be transmit force motion in both direction, and next it can transmit force motion only tensile direction। जाहिर सी बात है tensile direction में कौन कौन सा आएंगे? चैन आएंगे, रोप आएंगे, वायर आएंगे,
ये सब कौन सा है, जब पर हम इस पे टेंसाइल लोड लगाएंगे या एक रिजिड बॉडी की तरह कार्य करने लगेगा, यही हमारा एक रेजिस्टेंस बॉडी है। इस प्रकार के रेजिस्टेंस बॉडी को हम फ्लेक्सिबल लिंक बोलेंगे। नेक्स्ट, इट कैन बी ट्रांसमिट द फोर्स एंड मोशन ओनली द कंप्रेसिव डायरेक्शन। चलिए एग्जांपल लिखते हैं इसका। एग्जांपल एग्जांपल में पहला देंगे कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, पिस्टन आदि, ईटीसी आदि आदि जितने भी सॉलिड हैं। एग्जांपल इसमें क्या देंगे, चैन, रो, वायर, चैन, रो, वायर आदि। हाइड्रोलिक सिस्टम एग्जांपल में देंगे हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस, जैक, रैम आदि। मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक रैम आदि आदि में सभी में हम फ्लूइड जो यूज करते हैं वह फोर्स या मोशन का ट्रांसमिशन में या एनर्जी के स्टोर में, वो सभी प्रकार हमारा कौन से लिंक यूज होता है उसमें हम यूज जो होते हैं फ्लूइड लिंक हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लूइड लिंक ये आपका कौन सा है, ये टाइप्स ऑफ लिंक होगा। तो ये हम लोग अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन जनरेट होना प्रारंभ हो जाएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हमने एक बार फिर से बताया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपी आरबीएनएल की जो वैकेंसी आई है या एसएससी जेई की जो वैकेंसी है, इसी को बेस मान करके हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं उसको हेल्प करने का प्रयास इस डायरेक्शन विजन चैनल के माध्यम से करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भी शेयर कर देंगे, इसमें कोई फी का मैटर नहीं आता, विदाउट एनी कास्ट इसमें कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से लगभग लगभग 1500 क्वेश्चन यानी 1500 क्वेश्चन केरिया मशीन का हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा थोड़ा हम थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। बाकी आप नोट से यदि आपको लगता है कुछ इसमें अच्छा है जो हम भूल जाएंगे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेयर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक पेयर, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चैन पढ़ा जाएगा और उसके बाद से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाएगा कि एसएससी जेईई में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं या यूपीआरबीएनएल में कौन सा आया है। तो ये एक टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जितना क्वेश्चन आया गया अभी तक एग्जाम में है जो हम जनरेट किए हैं या अदर कोई बुक वाले जनरेट किए होंगे सभी का कलेक्शन हमने हमारे पास से है और हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और साथ में फर्स्ट ऑफ एक कोरोना काल है, आप घर पर रह के सेफ रहेंगे और स्टडी को बनाए रखेंगे तब आपका सिलेक्शन होने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। धन्यवाद।